हेलो गाइस, डिजाइन शो टीचर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अनुकुल कुमार। यहां पर आपके लिए एक और कमाल की वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में जैसा आप यहां पर रेंडर देख सकते हैं कि हम लोग नाइट रेंडर कर रहे हैं इंटीरियर का, एंड यहां पर आप मून लाइटिंग देख सकते हैं। सो गाइज, ये इस वीडियो को खास बनाता है। सो गाइज, यहाँ पर अगर ये आपको रेंडर पसंद आ रहा है तो ये आपका अपना इंडियन चैनल है गाइज, यार सपोर्ट जरूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर ये रेंडर पसंद आए तो लाइक जरूर करना। कुछ भी पूछना है, यस गाइस, कुछ भी पूछना है आप मेरे को जो है कमेंट जरूर कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं स्टेप्स जरूर बताऊंगा आपको कि किस तरीके से स्केचअप में मॉडलिंग करना है, प्लस यहाँ पर कुछ इस तरीके के रेंडर कैसे निकालने हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को गोल्ड सब्सक्राइब बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट हैं वो आपको मिलते रहे। तो सबसे पहले गाइस, जब भी आप किसी भी रेंडर को देखें तो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि आपकी लाइटिंग किस साइड से आ रही है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर मॉडलिंग करनी होती है। जैसे कि अभी आप पर देख सकते हो, आपके जो एक्सेस है कुछ इस तरीके से है, एंड अगर मैं यहाँ पर अभी शेडो को ऑन करता हूँ एंड अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पर बनाता हूं तो आप जैसे कि देख सकते हो हमारी शेडो किस साइड को एमिट कर रही है। सो गाइस, यहां पर मेरे को आइडिया मिल गया कि मेरे को डोर की प्लेसमेंट इस साइड पर करनी है। अदरवाइज अगर आप ये स्टेप नहीं लेते तो वैसे तो आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। सो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले से ही यहाँ पर सोच लें कि आपको मॉडलिंग की स्टार्टिंग किस तरीके से करनी है। सो यहाँ पर जैसा कि आपके सामने हमारा डोर ऐसा है, देन यहाँ पर आपका मूनलाइट एंटर करेगा। सेम ऐसा ही आप यहाँ पर कुछ इंटरफेस देख सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर मेरे को जैसे ही स्टार्टिंग पोजिशन मालूम पड़ जाएगा, मैं यहाँ पर अपने शेडो को ऑफ कर सकता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले कभी भी अगर आपको काम करना है तो आप सबसे पहले अपने वॉल्स या फिर अपने, मैं यूं कहूँ कि स्पेस को ड्रॉ कर लीजिए। सो आपके सामने यहाँ पर एक वॉल्स, देन आपके पास एक किचन का स्पेस है। यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ से ये बंद है, बस एक यहाँ पर डोर की ओपनिंग है। गाइस, यहाँ पर कोशिश ये करना कि जितना हो सके लो पॉली में काम करना। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने डबल थिकनेस वॉल यूज नहीं किए है, बिकॉज इससे फायर आपकी और ज्यादा हैवी हो जाती है, राइट। इसलिए अवॉइड करें, यहाँ पर सिंगल आप फेसेस के अंदर वर्कआउट करें। सो गाइस, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आपको जो भी किचन के कैबिनेट होते हैं वो आपको यहाँ पर डालना होगा, राइट। जैसा कि एक और पॉइंट अगर आप देखें तो यहाँ पर जो हमारी लाइट की एमिशन है वो यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली दिख रही है, राइट। सो यहाँ पर आपको अब क्या करना है, लोअर कारकेस जो भी रहेगा आपका वो मॉडल कर लेना है, ठीक है। वॉट एवर द कलर, इट डजंट मैटर, हाँ कुछ भी आप कलर अभी फिलहाल डाल लीजिए, बिकॉज हम लोग फाइनली कुछ करने वाले। और यहाँ पर ना जैसे आपका शेडो का काम हो जाए, आप अवॉइड करिए यहाँ पर अपने शेडो को अंदर लाने से, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसको ऑफ कर दूंगा जिससे मेरे को थोड़ा सा स्पीड अप देखने को मिल जाएगा। सो लोअर कारकेस के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट अपर कारकेस बनाना होगा, देन यहाँ पर जो भी आपके काउंटर हैं वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर जितने भी कैबिनेट्स वगैरह हैं वो सारे आप इस तरीके से मॉडल कर लेंगे, राइट। बहुत इजी है, आप मॉडलिंग नहीं जानते आप मेरे प्रीमियम क्लासेस को ले सकते हैं, बहुत ज्यादा एडवांस है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, और बहुत ही कम रेट पे, ठीक है। सो यस, यहाँ पर उसके बाद जो भी आपके बड़े एरिया जैसे डोर्स वगैरह वो आपको डालने हैं, देन आपका हॉब हो गया, फिर आपका सिंक हो गया, देन जो भी आपका काउंटर है तो उसके आगे पीछे जो भी स्टूल्स डालने हैं, सो इस तरीके से डाल देंगे। देन एंड में, यस गाइस, एंड में आपको यहाँ पर जितने भी किचन के मटेरियल्स होते हैं, स्टफ होते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर आपको डालने होंगे। एंड उसके बाद गाइस, यहाँ पर अगर आप विंडो के बाहर देख रहे हैं तो कुछ तो चाहिए, तो यहाँ पर मैं फिलहाल मैं डोम लाइट यूज नहीं करने वाला, यहाँ पर मैं एक एनवायरमेंट यूज करने जा रहा हूँ। सो मैं गाइस सिंपली एक गूगल से इमेज लिया था और वो मैंने इस तरीके से कुछ प्लेस कर दिया, राइट। अब यहाँ पर फाइनली जब आपका मॉडल बन जाता है तो आपका काम रहता है यहाँ पर लाइटिंग करने का। सो यहाँ पर मैंने लाइटिंग के लिए ऑलरेडी यहाँ पर डाल रखे हैं। गाइस, यहाँ पर एक पॉइंट का ध्यान रखना, कभी भी अगर आप लाइटिंग कर रहे हो तो वो एक पर्टिकुलर कंपोनेंट में होना चाहिए, उस तरीके से आप एक के अंदर लाइट लगाओगे वो सबके अंदर एक्ट करेगा। सो मैंने कुछ इतने लाइट्स को यूज किए हैं, बाकी हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पर कोव लाइटिंग कर सकते हैं एंड स्ट्रिप लाइटिंग के हेल्प से कुछ ऐसा दे सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर वन बाय वन करके यहाँ पर मटेरियल को असाइन करते हैं। गाइस, यहाँ पर अब मेरी आपको ऑडियो नहीं मिलने वाली है, ऑडियो नहीं मिलेगी इसका मतलब ये नहीं आप सीख नहीं सकते, आप 100% अगर आप VRay 4.0, 4.2 या फिर VRay 5 यूज कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखकर आप एज इट इज कर सकते हैं। अगर गाइस आपको यहाँ पर मेरी प्रीमियम क्लासेस ज्वाइन करनी है
वेलकम है बहुत ही सही रेट में। इंडियन नंबर वन वीरे का ये यूट्यूब चैनल है एंड यहाँ पर आप 100% सीख कर ही जाएंगे। सो गाइस अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है नीचे लिंक दी गई है, आप जो है वहां पर मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस यस, अब यहाँ पर आपको जो है आगे वीडियो के ऑडियो देखने को मिलेगी। सो देखिए और सीखिए।